हाय दोस्तों मैं काजल शाह और के टी शाह की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है तो देखिए इस वक्त हम लोग अभी रजाई में सब सो रहे हैं ये देखिए मेरी बेटी सो रही है और मेरे हस्बैंड अभी मोबाइल चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो इसलिए हम लोग अभी रजाई में बैठे हुए हैं और बातें बातें कर रहे हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं तो आपके वहाँ पर किस तरीके की ठंड पड़ रही है हम लोगों को कमेंट करें और कमेंट में बताएं और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और शाम के समय पे तो इतनी ठंड पड़ती है पूछो मत और हमने प्लान बनाया था पिकनिक जाने का हजार दुआारी तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है हर जगह पर तो बार बार लॉकडाउन लग जा रहा है तो इसी वजह से हम जा भी नहीं पा रहे हैं कहीं पिकनिक करने के लिए तो शायद आज इस बार हम जा भी नहीं पाएंगे तो हमारी टिकट भी है अभी फरवरी में दिल्ली जाएंगे हम लोग तो अभी देखते हैं क्या होगा अभी तो कोई किसी ने देखा नहीं है टाइम तो देखते हैं आगे क्या होता है अगर फरवरी में भी अगर लॉकडाउन अगर ट्रेन बंद कर दी तो फिर तो हम नहीं जा पाएंगे और अगर ट्रेन अगर बंद नहीं हुई तो फिर हम पक्का जाएंगे फाइनल हमारी टिकट भी हो चुकी है तो देखिए इस वक्त सब कितनी ठंड हो रही है सब रजाई में हम सो रहे हैं देखिए और खाना पीना खा के सब पड़े हुए हैं तो हम आप लोग तो जानते हैं हम ज़्यादा नहीं हैं ज़्यादा लोग नहीं हैं मतलब मैं हूँ मेरे हस्बैंड और हमारी हम बेटी और और हम तो वहाँ मतलब मम्मी पापा हैं ऐसी बात नहीं है मम्मी पापा दूर रहते हैं थोड़े हम लोगों से और हम लोग घूमने भी जाते हैं और हम भी थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि इनका काम मतलब तारापीठ में काम करते हैं ना तो इसीलिए मतलब तारापीठ में ही रहते हैं हम लोग क्योंकि इनको भी दिक्कत होती है फिर इसी वजह से हम लोग एक साथ दो जने रहते हैं और वहाँ पे मम्मी पापा तो आप लोग देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है हर जगह तो हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं हम लोग भी मास्क का यूज़ कर रहे हैं कहीं भी बैंक भी जा रहे हैं तब भी मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी कहीं पर भी जाएँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाएँ और मास्क पहन कर ही जाएं हर समय क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है और वैक्सीन हम लोगों ने तो ले लिया है मेरी भी कम्प्लीट हो चुकी है दो वैक्सीन और मेरे हस्बैंड की भी कंप्लीट हो चुकी है दो वैक्सीन तो हम लोगों ने तो वैक्सीन ली है तो आप लोग भी वैक्सीन ले नहीं तो बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है तो इसी वजह से सब जगह जाएं जहाँ पर भी मास्क लगा कर ही जाएं तो मेरे हस्बैंड ने तो वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम कर दिया है बनाना क्योंकि मतलब यूट्यूब से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमारी वीडियो भी इतनी चल नहीं रही है कोई नहीं देखता है लाइक भी नहीं देते है कमेंट भी नहीं करते तो इसी वजह से आज मैंने सोचा है कि मैं अब वीडियो शूट करूँगी आज से तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें कि किस टाइप की वीडियो बनाएँ हम लोग और किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोगों को कम, कमेंट करें और सपोर्ट करें तो हम उसी टाइप की वीडियो भी लेकर आएंगे और ये मेरी फ़र्स्ट फ़र्स्ट वीडियो तो नहीं बोलूँगी लेकिन मैं सूट कर रही हूँ इस वीडियो में सिर्फ मैं ही हूँ तो इसीलिए मैं ही बोल रही हूँ कि मतलब मुझे भी सपोर्ट करें और भी वीडियो बना सकती हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट भी करना मुझे ऐसी बात नहीं है कि कमेंट नहीं करना है कमेंट वगैरह करना अगर मेरी और मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कहीं घूमने का भी मन कर रहा है मेरा क्या सभी का ही कर रहा है क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं घर में ही बैठे बैठे और पहले तो हम घूमने भी जाते थे तो आप लोगों ने तो हमारी वीडियो देखी है कितनी सारी तो मतलब कोरोना की वजह से हम लोग अभी कहीं घूम भी नहीं पा रहे हैं और घूमने का भी बहुत मन कर रहा है तो इसी वजह से मतलब दिल्ली जाने की तो हमारी टिकट है ही है तो प्लीज़ हम हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम दिल्ली जा पाए क्योंकि मैं बहुत दिन से दिल्ली नहीं गई हूँ और मेरी मम्मी की भी मुझे याद आ रही है और मेरी फैमिली की भी मतलब फैमिली में बहुत सारे लोग हैं अगर दिल्ली जाऊँगी तो आप लोगों का को सब कोई मिलाऊंगी ऐसी बात नहीं है वीडियो बनाऊँगी और आप लोग देख भी पाएंगे उस समय पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं दो दो साल हो चुके हैं मतलब दो साल होने जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करें कि हाँ मैं जा पाऊँ ट्रेन नहीं बंद हो मतलब लॉकडाउन लग जाए थोड़ा बहुत पर ट्रेन को बंद ना करें जिससे अगर ट्रेन बंद हो गई तो फिर मैं तो जा भी नहीं पाऊँगी और हमारा तो मतलब पहले भी एक बार टिकट कर दिया था पाँच मई की हमारी पहले टिकट थी तो पाँच मई की टिकट थी तो पाँच मई को ही हमारा तो बंद हो गई थी लेकिन हमने उससे पहले ही कैंसिल कर दी थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ट्रेन बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी और लॉकडाउन भी लग चुका था तो ट्रेन तो हम बंद हो चुकी तो फिर मतलब हम जा ही नहीं पाए तो फिर से हमने अब टिकट कर रखी है करके रखी है ये बात तो हमने किसी को भी नहीं बताई सिर्फ यूट्यूब पे ही पहली बार छोड़ रहे हैं हम लोग तो प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करना हम एक बार घूम कर आ जाए और फिर मतलब आप लोगों को भी मिला देंगे हम सब लोगों से और ट्रेन में भी हमारी वीडियो वगैरह शूट हो सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा बैठ बैठे रहेंगे कुछ तो काम नहीं होगा घर में तो थोड़ा बहुत काम होता है खाना बनाना ये सब वो सब बच्चों को नहलाना सारा दिन इस तरीके से निकल जाता है आप लोग तो समझ सकते हो ट्रेन में अगर सफ़र करेंगे तो कितना अच्छा होगा कितना अच्छा भी लगेगा तो इसीलिए प्रार्थना करो कि हाँ एक बार हम घूम कर आ जाएं उसके बाद लॉकडाउन लग जाए फिर कोई टेंशन भी नहीं है और ट्रेन बंद ना हो बस यही प्रार्थना करना आप लोगों से यही प्रे है मेरी प्लीज़ मेरे लिए भी एक ये करो क्या मैं घूम कर आ जाऊँ आप लोगों ने तो वीडियो वो हमारा घर भी नहीं देखा अभी तक दिल्ली का क्योंकि यहाँ गांव वाला घर देखा है और यहाँ पर हम तारापीठ में भी रहते किराए पे तो वो भी देखा है तो अब दिल्ली हम जाएंगे तब देख पाओगे दिल्ली में वैसे छोटा सा ही है हमारा एक ही कमरा ऐसी बात नहीं है पर जो भी हो जैसा भी हो आ, हमारे लिए तो अच्छा ही है तो आप भी देख पाएंगे तो देखिए अब फरवरी में क्या होता है फरवरी में हमारा अठारह था, तारीख की हमारी टिकट है तो हम लोग वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे भी हम लोग अभी से ही बता देते हैं आप लोगों को तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को भी चलाएं और मेरे हस्बैंड ने तो एक बार ही बंद कर दी है वीडियो बनाना वो कह रहे कि मैं नहीं बनाऊंगा मतलब यूट्यूब पे कोई लाइक भी नहीं मिल रहा है और शेयर भी नहीं हो रहा है और हमारी वीडियो कोई देख भी नहीं रहा है व्यू भी नहीं हो रहे हैं उनका फिर कोई बात नहीं अगर मैं ट्राई करके देखती हूँ अगर वीडियो इस तरीके से मेरी वीडियो तो चल सकती है और प्लीज़ अब मुझे भी सपोर्ट करें अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा भी थोड़ा मन ये हो जाएगा कि हाँ वीडियो किस तरीके से बनाऊँ वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें थैंक यू